नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर किस प्रकार से आपको सैलरी मिलती है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सभी चीज़ों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से आपको भत्ते मिलते हैं, कितना क्या परसेंट मिलता है, सभी चीज़ों की हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। पैरामिलिट्री में सभी में, चाहे CISF हो, BSF हो, CRPF हो या फिर SSB हो, असम राइफल हो, जो भी हो, सभी में आपको किस प्रकार से सैलरी मिलती है, किस प्रकार से आपका सैलरी बनता है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि हाल ही में अभी BSF का आया है, ट्रेडमैन का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी बेसिक पे यहाँ पर दे रखी है, जैसे इसमें दे रखी है, अगर आप कांस्टेबल में आते हैं तो आपकी बेसिक पे है 31,700 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी आपकी सैलरी मिलती है फोर्सेज में, वो आपकी बेसिक से बेसिक जो पे होती है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो हम सिर्फ यहाँ पर जो कांस्टेबल की जो बेसिक पे है उसके हिसाब से सैलरी यहाँ पर काउंट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप आज एग्जाम स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर 42,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे से जुड़ चुके हैं। अभी तक आप भी नहीं जुड़े हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा रैंक की बात कर लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप अगर कांस्टेबल में आप भर्ती होते हो तो आपकी लगभग समथिंग 21,700 के समथिंग आपका बेसिक पे होता है। BSF, SSB, CRP सभी का समथिंग इसी के होता है। अगर आप हेड कांस्टेबल में आप भर्ती होते हो डायरेक्ट, तो आपका 25,500 आपका बेसिक पे होता है। अगर आप ASI में आते हैं तो आपका 28,500 के समथिंग होता है, और अगर आप SI में आते हैं तो आपका 35,000 के समथिंग बेसिक पे होता है। अगर आप इंस्पेक्टर में आते हैं तो आपका 38 से 45 के बीच में आपका बेसिक पे होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी रैंक की भर्ती देख रहे हैं और उसकी सैलरी आप काउंट कर रहे हैं तो वो आप सैलरी यहाँ पर उठा लेना। जैसे ASI की या हेड कांस्टेबल की, मिनिस्ट्रियल की भी बहुत वैकेंसी निकली हुई हैं, ASI की भी आ रखी हैं, तो इसके हिसाब से आप अपनी सैलरी काउंट कर लेना। अब बात करते हैं कि किस हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। तो दोस्तों, हमने बात करते हैं यहाँ पर कांस्टेबल की। जैसे कि अभी कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी निकली हुई हैं, कुक की, जो भी हैं, फायरमैन की, सभी की एक समान है यहाँ पर बेसिक पे 21,700। तो बेसिक पे आपका 21,700 हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लस में आपको फिर क्या मिलता है, आपको DA मिलता है, जो कि महंगाई भत्ता होता है, जो कि अभी हाल ही में 31% चल रहा है। तो 31% दोस्तों आपको किसके ऊपर मिलता है, ये आपको मिलता है जो आपकी बेसिक पे होती है उसके ऊपर आपको यहाँ पर मिलता है। तो आपकी बेसिक पे पर अगर यहाँ पर 31% निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 6,727 आपका आपको यहाँ पर DA मिल जाएगा। बेसिक पे आपकी 21,700 आपको बेसिक पे मिल गई, 6,727 रुपये आपको DA मिल गया। इसके बाद आपको दोस्तों मिलता है TPT मिलता है, जो कि 1,800 के समथिंग होता है। TPT के ऊपर 31% आपको और DA मिलता है, तो यहाँ पर 2,358 रुपये आपको और मिल गए यहाँ पर TPT के। अब आपको दोस्तों मिलता है होम अलाउंस मिलता है, HRA मिलता है, जो कि 9% भी होता है, 18% भी होता है, और जो मेट्रो सिटी होते हैं वहाँ पर 27% भी आपको मिलता है। वो दोस्तों डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर आई है। जैसे कि दिल्ली जैसे शहरों में आपकी पोस्टिंग आती है, जहाँ पर मेट्रो सिटी है, कलकत्ता में, अगर आपकी इस प्रकार की सिटी में आपका जॉब लोकेशन होता है तो आपको यहाँ पर 27% इसके ऊपर बेसिक के ऊपर निकलता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कम से कम HRA जो कि 9% है वो यहाँ पर लिया है, तो 9% इसका 21,700 का यहाँ पर 1953 रुपये आपको HRA मिल जाएगा, 2,358 रुपये आपको TPT मिल जाएगी, और DA आपको महंगाई भत्ता आपको 6,727 रुपये आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है रिक्स अलाउंस, कि जो आप रह रहे हैं
वह लोकेशन आपकी किस प्रकार की है, आपका जो एरिया है वो खतरे वाला है या नहीं है, नॉर्मल है, उसके हिसाब से आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। तो दोस्तों कहीं पर आपको 6,700 के समथिंग होता है, 7,500 होता है, कहीं 9,500 होता है, कहीं 10,500 भी होता है, तो कहीं 17,500 भी होता है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम लगभग इतना 17,500 के समथिंग होता है, या बिल्कुल जो नॉर्मल इलाका होता है उसमें ऐसा रिस्क अलाउंस नहीं होता। जैसे कि मेट्रो सिटी हो गई, बड़े बड़े सिटी में आपको यहाँ पर 27% HRA मिल जाता है, यहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस फिर नहीं मिलता। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये सैलरी मिलती है। उसके बाद में आपको छोटे छोटे भत्ते और भी मिलते हैं, जैसे कि आपका रम अलाउंस हो गया, हेयर कटिंग हो गया, सोप अलाउंस हो गया, और उसके बाद में आपको दोस्तों मिलती है खाने के लिए राशन मनी। ठीक है दोस्तों, आपको राशन मनी भी अलग से मिलती है, जो कि 3,600 से लगभग 4,000 के समथिंग आपको राशन मनी मिलती है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में आते हैं तो आपको इस प्रकार से आपकी सैलरी मिलती है। अब दोस्तों काउंट करते हैं कि टोटल आपके पास कितनी आपकी सैलरी बनती है। तो ये आपका हो गया दोस्तों बेसिक पे हो गया, यह आपका हो गया यहाँ पर DA हो गया, यह आपकी TPT हो गई, और यहाँ पर आपका HRA हो गया, यह आपका रिक्स अलाउंस हो गया। ठीक है दोस्तों, और यह आपका अदर अलाउंसेज हो गया, और ये आपकी राशन मनी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो लगभग आपका 43,738 आपकी जो सैलरी बनती है वो आप फर्स्ट पोस्टिंग यानी कि भर्ती होते ही आपकी इस प्रकार से आपकी सैलरी बनती है 43,738। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन हैंड आपको बैंक अकाउंट में आपको कितनी मिलती है। तो दोस्तों आजकल, पहले क्या था, GPF था, उसमें आपको पेंशन मिलती थी रिटायरमेंट होने के बाद में, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस में पेंशन को 2004 के बाद से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर NPS चालू कर दिया गया है, नेशनल पेंशन स्कीम योजना के तहत आपके पैसे आपके कटते हैं। तो दोस्तों आपके पैसे किस प्रकार से कटते हैं और किस प्रकार से इसमें जमा होते हैं, तो दोस्तों आपकी जो बेसिक पे होती है, बेसिक पे प्लस में जो आपका 31% DA बेसिक पे का होता है, उन दोनों का योग करके उसका 10% आपका NPS के लिए आपका कट जाता है, जो कि आप जब जॉब छोड़कर जाएंगे या रिटायरमेंट जाएंगे तब आपको उस समय आपका पैसा मिलेगा। तो 10% आपका कट गया, यानी कि आपका 21,700 प्लस में 6,727, इसका आपका 10% NPS के अंदर आपका कट के जमा हो जाता है। साथ ही में जो आप खाना खाते हैं, आपकी जो एक महीने का जो मैस कटिंग जो आपका खाता है, वो आपका समथिंग 3,500 या 3,700, 3,800 वो आपका कट जाता है। तो दोस्तों ये पैसा कटने के बाद में आपकी इन हैंड सैलरी जो आती है वो आपकी भर्ती होते ही आपकी 37,400 के समथिंग आपका सैलरी अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर सैलरी मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं NPS की। तो दोस्तों NPS के अंदर क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए कि 2,000 रुपये आपका एक मंथ का कटता है, तो NPS में किस प्रकार से जमा होता है, तो NPS में क्या होता है कि अगर अपना 10% कटता है तो सरकार उसमें 14% मिलाकर आपका NPS के अंदर जमा करती है, यानी कि 24% आपका कुल जमा हो गया। तो यहाँ पर आपके 2,000 रुपये आपके कटे हैं तो 2,800 रुपये यहाँ पर गवर्नमेंट मिलाएगी गवर्नमेंट, और उसके बाद में आपका 4,800 रुपये आपका NPS के अंदर जमा हो जाता है, जो कि जब आप रिटायरमेंट जाते हैं 20 साल बाद या जो भी 60 साल एज तक इसमें कर सकते हैं, उसके बाद आप जब रिटायरमेंट जाते हैं उस समय आपका पैसा आपको मिलता है। उस समय दोस्तों NPS के अंदर आपका पूरा पैसा नहीं मिलता, उसके अंदर 40% या 60% का सिस्टम होता है कि किस प्रकार से आपका जब आप रिटायरमेंट पे जाते हैं वो पैसा मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो उसके ऊपर सेपरेट बनाकर डाल दूंगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। साथ ही दोस्तों अब आप यहाँ पर किसी की भी अपनी सैलरी इस हिसाब से आप निकाल सकते हो, और यहाँ पर HRA अगर आप CT अलाउंस में है तो यहाँ पर 27% कर लीजिए,
अगर आप हार्ट एरिया में हैं तो आप यहाँ पर 17,500 यहाँ पर डालकर आप अपना सैलरी काउंट कर सकते हैं। अगर आप हेड कांस्टेबल में आते हैं तो यहाँ पर बेसिक की जगह 25,500 ये रख कर यहाँ पर फिर 31% निकल जाएगा 25,500 का, यहाँ पर कुछ और होगा, फिर ये तो सेम रहेगा। HRA 9%, ये फिर 25,500 के ऊपर काउंट होगा, ये कुछ अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सभी की सैलरी यहाँ पर काउंट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, तथा अगर वीडियो अच्छा है लगा तो लाइक करना न भूलें और अपने साथी भाइयों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार से सैलरी काउंट होती है। तो दोस्तों ये मैंने जो भी अपने पास जो आइडिया था उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, और बाकी मैंने इसके ऊपर CISF SSB BASF जो भी इसके पुराने पेपर थे वो भी मैंने इस चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।